नमस्कार, टारगेट वीरालो के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी संसद ने उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लेने से रोकने के लिए स्वीकृत किया विधेयक। अमेरिका और चाइना के संबंधों में आ सकती है और दरार। स्पीकर ने जम्मू कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में सहयोग के लिए नामित किए सदस्य। 1952 में पारित हुआ था परिसीमन आयोग अधिनियम। और अब आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी संसद ने चीनी अधिकारियों को उइगर मुसलमान को हिरासत में लेने से रोकने के लिए लाए गए विधेयक को स्वीकृति दे दी है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकृति के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। दरअसल चीन पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वह 10 लाख से ज़्यादा उइगर कज्जाखों और दूसरे मुसलमानों को पकड़कर बंदी शिविर में डाल दिया है, जहां उनको अपनी पहचान छोड़ने यानी इस्लाम छोड़ने और हान चीनियों के प्रभुत्व वाले साम्यवादी देश चीन में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। चीन का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वह शिविर में रखे मुस्लिमों को अतिवादी विचारों से मुक्ति दिला रहा है और साथ ही साथ उन्हें व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण भी दे रहा है। आपको बताते चलें कि उइगर मुसलमानों की एक नस्ल है जो चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करती है, जहां पर उइगर मुसलमानों की संख्या प्रांत के कुल संख्या का 45% है। तिब्बत की तरह शिनजियांग भी एक स्वायत्त क्षेत्र है। कई वर्षों से शिनजियांग में मूल हॉन जाति के लोग बसाए जा रहे हैं। आज की तिथि में वहां 80 लाख हान समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि 1949 तक इनकी जनसंख्या मात्र 2,20,000 के करीब थी। चीन का हान समुदाय के लोगों को बसाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उइगर मुसलमानों को सरकारी या किसी प्रकार की नई नौकरियों में कम से कम प्रतिनिधित्व देना है, जिससे वहां पर रह रहे मुस्लिम समुदायों को आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा सके। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना वायरस महामारी के लिए लगातार चीन को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं। वहीं अब इस नए बिल के कारण दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के 15 सांसदों को पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने में समिति की सहायता के लिए परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्यों के रूप में नामित किया है। दरअसल चुनाव से पहले विधानसभा से युक्त किसी राज्य के अंदर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग करता है, जो एक सशक्त आयोग है। इसकी सशक्तता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा दिए गए आदेशों को कानून माना जाता है और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी को मद्देनज़र रखते हुए परिसीमन आयोग ने स्पीकर और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों को हाल में पत्र लिखकर समिति के सहायक सदस्यों के नाम देने को कहा था। आयोग का आदेश राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तिथि से लागू होता है। इन आदेशों की प्रतियां लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संशोधन की अनुमति नहीं होती। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार संसद प्रत्येक गणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करता है और उसी आधार पर केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इसका आदेश अंतिम होता है। आपको बताते चलें कि परिसीमन का कार्य सर्वप्रथम 1950-51 में हुआ था, लेकिन उस समय यह कार्य राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के सहयोग से संपन्न कराया था। वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया। तब से लेकर 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन किया गया। 1976 में लागू आपातकाल के दौरान परिसीमन का कार्य 2001 तक के लिए रोक दिया गया था, लिहाजा 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन का कार्य नहीं हुआ था।
हाल ही में सरकार ने पैरासीटामॉल की सक्रिय औषधि सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के निर्यात से रोक हटाने का ऐलान किया है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पैरासीटामॉल और इसके फार्मुलेशंस के निर्यात पर अंकुश लगा दिया था। भारत ने पिछले 2 माह में 120 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामॉल की आपूर्ति की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पैरासीटामॉल एपीआई के निर्यात पर लगे अंकुश को भी अब हटा दिया है। गौरतलब है कि सक्रिय औषधि सामग्री एक प्रकार से कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसका उपयोग टैबलेट्स, कैप्सूल और सिरप बनाने में किया जाता है। इस प्रकार किसी भी दवा को बनाने में एपीआई की अहम भूमिका होती है। ऐसे ही कच्चे माल के लिए अधिकांश भारतीय कंपनियां चाइना पर निर्भर करती हैं। बाजार में नकली एपीआई की भी पहुंच है, जिससे बनने वाली दवाओं से मरीजों को स्वास्थ्य में कोई लाभ नहीं मिलता। बीते वर्ष सितंबर से केंद्र सरकार ने दवाओं में प्रयोग होने वाले एपीआई पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया था, ताकि असली और नकली दवाओं की पहचान की जा सके। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी परीक्षाओं से। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए मुद्रा शिशु ऋण शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत लोन लेने वालों को 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2% तक की छूट देगी, जिससे लोन लेने वाले 3 करोड़ लोगों के कुल 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 तक का लोन ले सकता है। यह रकम इस योजना की अधिकतम रकम है, जिसके तहत 3 करोड़ लोगों को लोन देने का प्रावधान किया गया है। कोरोना महामारी के वजह से कई लोगों से उनका रोजगार छिन चुका है। यह योजना उन लोगों के लिए अपना रोजगार सृजन करने में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन यह योजना कितना धरातल पर उतरती है, इस पर ज़्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता है। भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट बैंडेज विकसित की है, जो घाव तक घाव के संक्रमण के अनुसार दवा पहुंचाकर घाव को सही कर सकती है। यह स्मार्ट बैंडेज घाव में संक्रमण के पीएच स्तर के अनुसार दवा के डोज को जारी करती है, यानी इस बैंडेज से दवा उतना ही निकलेगा जिस स्तर का संक्रमण होगा। इस बैंडेज को बनाने के लिए कपास और जूट जैसी सस्ती और टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल इसे जैविक रूप से दुष्प्रभाव रहित, कम खर्चीला और टिकाऊ बनाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने का मकसद दूध और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास को मजबूत करना है। प्रत्येक वर्ष दुग्ध दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक थीम निर्धारित किया जाता है। पिछले वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम भारत में दूध पिए आज और रोज था। विश्व दुग्ध दिवस की पहल को 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस कारण इस वर्ष की थीम को वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ रखा गया है। आपको बताते चलें कि प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसे मान्यता देने से पहले बहुत से देश 1 जून को दुग्ध दिवस मनाते थे। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान हमारे बीच नहीं रहे। 1 जून को 42 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वाजिद ने 1998 में सलमान खान की अभिनय वाली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से अपने करियर की शुरुआत की थी। वाजिद संगीतकार के साथ साथ एक अच्छे गायक भी थे। IPL के 4th सीजन के थीम सॉन्ग को वाजिद ने अपनी आवाज़ दी थी। बॉलीवुड में इनके योगदान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड आदि से इनको सम्मानित किया गया है। बीते 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदारों द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना है।
इस दिवस के मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को जागरूक कर किसी भी रूप में तंबाकू उपयोग को हतोत्साहित करना है। दरअसल तंबाकू के धुएं में हजारों हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आपको बताते चले कि तंबाकू में हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, लेड, आर्सेनिक, अमोनिया जैसे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।